जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वो नागिन हमें ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है। भाभी छोड़ना मत इसे। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया है और वो है प्रीति की मौत। क्या हुआ महक, तुम ठीक हो? भाभी इन सबसे मैं बहुत नफरत करती थी, हमेशा मेरे दिल से इन लोगों के लिए बद्दुआएं निकलती थी कि ये लोग मर जाएं। लेकिन आज इन सबकी मौत के बाद मेरे दिल में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि इन सबकी मौत मेरे कृष भैया की जिंदगी वापस कैसे ला सकती है। महक, गलत करना पाप होता है, लेकिन जानती हो उससे बड़ा पाप क्या होता है? गलत सहना। जब किसी के साथ गलत हो और वो उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाए तो उसकी मदद करने के लिए भगवान भी नहीं आते। राधिका ने इन लोगों को मारकर कुछ गलत नहीं किया। ये लोग अगर जिंदा रहते तो ना जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या बुराई करते। राधिका ने तो बल्कि एक तरह से समाज की सेवा की। नहीं, मेरा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जिसका इस सबके पीछे हाथ है वो अभी भी जिंदा है और जब तक मैं उसे ना मार दूं मेरा वचन पूरा नहीं होगा। इन पापियों की कहानी तो खत्म हो गई लेकिन असली जंग अभी भी बाकी है। और इस जंग में तुम कभी जीत नहीं सकती राधिका। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना होगा राधिका, और ये सफर इतना आसान भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, लेकिन अब बस बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारे पति के पास पहुंचा दूंगी। तुम्हें जितनी बाजी खेलनी थी तुम खेल चुकी। हार और जीत की इस जंग में अब तुम्हें अपनी जान हारनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंसान अपने दुश्मन के सीने में तो खंजर उतारता है, लेकिन उसे कैसे मारे जो अपना है। अभी तक तो तुम्हारी लड़ाई उनसे हुई थी जिनसे तुम नफरत करती थी। अब तुम्हारी लड़ाई किसी ऐसे से होगी जिसे तुम चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती राधिका। अब खेल का असली मजा आएगा, बस तुम देखती जाओ। मेरे लिए ये हार या जीत नहीं, इस जंग की शुरुआत में तो मैं अपना सब कुछ हार चुकी हूं। अपना प्यार, अपना सुहाग, अपनी जिंदगी, सब कुछ। उसके जाने के बाद मेरे लिए किसी चीज का कोई मतलब नहीं। अगर मेरे कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज जीत उस परम शक्ति की होगी
जिसने मुझे साहस दिया कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं। अगर आज मैं हार गई तो वो सिर्फ मेरी हार नहीं होगी बल्कि अच्छाई की बुराई से हार होगी, और मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उस परम शक्ति को जिताऊंगी और उस डायन को खत्म कर दूंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। भगवान का शुक्र है तुम ठीक जाको। अच्छा ही हो गया, आप खुद से आ गए। भैया क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? भैया ओ ओम भैया, भैया नहीं है, ये प्रीति का हथियार है, ऐसा हथियार जिसे मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ये बात प्रीति जानती है। दुश्मन को मारना है, दुश्मन को जान से मारना है। वो नागिन मेरी दुश्मन है, जा जाकर खत्म कर दे उसे। नहीं कर सकते, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? दुश्मन को मारना है, दुश्मन को मारना है, दुश्मन को मारना है। ओम भैया आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते, भगवान के लिए मेरी नहीं लेकिन अपनी दिल की सुनिए, मेरे ओम भैया किसी का खून नहीं कर सकते, किसी को नहीं मार सकते। नहीं भैया रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए भैया, सब मत कीजिए भैया। मार दे उसे। मैं जानती थी तू कभी ओम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बच
मैं भी तो देखूं तो इससे कितनी देर तक बचती है। राधिका, तुमने इसे बांध तो दिया लेकिन अब करेंगे क्या? ये प्रीति के काबू में है। अब सिर्फ कोई पवित्र चीज ही ओम भैया के सर से वो साया उतार सकती है। महक, मंदिर में जाओ और कोई पवित्र चीज लेकर आओ, जल्दी जाओ। ये क्या हो गया तुझे मेरे बच्चे? मम्मी जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं होगा भैया को। भगवान ने मेरी झोली में दो दो बेटे डाले थे, मैं बहुत खुश थी, लेकिन उस डायन ने मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया। मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास की डोर थाम कर तो इंसान बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतता है। मैं उस प्रीति को मारकर सब ठीक कर दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। उसे बांध तो लिया तुमने, लेकिन वो रुकेगा नहीं। उसे रोकने के लिए तुम्हें उसकी जान लेनी ही पड़ेगी। तो जब उसकी सांसें रुकेगी, तब भी उसका तड़पना बंद होगा। अगर तुमने उसे वो चुनरी ओढ़ाई, तो मेरी काली शक्तियां उसके अंदर सिमट कर उसे तड़पाएगी। राधिका, वो तड़प तड़प कर वो मर जाएगा, और अगर तूने वो चुनरी हटा दी तो वो तुझे मार देगा। अब मेरी काली शक्तियों का कार्ड तुम्हारे पास नहीं है राधिका। इस खेल का अंत तुम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही होगा। चाहे कुछ भी हो, हार तुम्हारी ही होगी राधिका। क्या हुआ राधिका, रुक क्यों गई तुम? मम्मी जी, इस बार प्रीति ने बहुत गहरी चाल चली। उन्होंने ओम भैया पर ऐसा जादू किया है कि अगर मैंने उस जादू को तोड़ने की कोशिश की तो भैया की जान भी जा सकती है। इस गंगा जल के प्रभाव से ओम भैया अंदर ही अंदर घूट रहे, तड़प रहे। अब हम क्या करेंगे भाभी? ये प्रीति हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम सबने उन्हें इतना प्यार दिया था। शैतान प्यार की बोली नहीं समझती, वो बस अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं। प्रीति ने तो कभी ओम भैया को अपना पति माना ही नहीं, और देखो कैसे आज इनको अपना हथियार बना दिया। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ओम भैया को मारना ही होगा। तो फिर और क्या करूं मम्मी जी? आप चाहती हैं कि जिंदगी भर ओम भैया शैतान बनकर तड़पते रहे? हमें इन्हें तकलीफ से बाहर निकालना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं पहले ही अपना एक भाई खो चुकी हूँ, अब ओम भैया को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आपको ओम भैया को मारने नहीं दूंगी। महक, तुम मेरी बात नहीं समझ रही, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये करना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी, मैं आपको ओम भैया को मारने नहीं दूंगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है महक, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैंने ओम भैया को नहीं मारा तो डायन जीत जाएगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
कितना बुरा लगता है ना राधिका, जब अपने ही पराए हो जाए। यही तो मैं चाहती थी। जिन्हें तू अपना समझती थी आज वही तेरे खिलाफ खड़े हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। महक प्लीज मेरी बात समझो। और तुम एक ऐसे इंसान का साथ दे रही हो जो एक इंसान है ही नहीं, वो शैतान के बस में है। ओम भैया के ऊपर शैतान का साया है, समझो। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगी तो वो हम सबकी जान ले लेंगे। राधिका, कोई और रास्ता होगा? हम अपनी जान बचाने के लिए ओम को नहीं मार सकते। आपको अपना बदला लेना है, जाइए जाके उस प्रीति की जान लेके अपना बदला पूरा कीजिए, लेकिन ओम भैया को छोड़ दीजिए। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो इन्हें मरना ही होगा। रुक जाइए भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकती। खुदगर्ज कैसे हो सकती है भाभी? अपना बदला पूरा करने के लिए आपने ओम भैया की जान ले ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रीति का जादू तोड़ने का बस एक यही तरीका था। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू तो किसी मासूम की जान के बदले अपनी जान देने को तैयार हो जाती थी, तो तूने ओम को कैसे मार दिया? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वही लोग तुझसे नफरत करेंगे जिसकी तू जान बचाना चाहती थी। मैं जानती हूं तो मेरे पास मेरी जान लेने आएगी, मेरी जान तेरी जाएगी। मैंने हारना नहीं सीखा। ओम भैया! नहीं महक, रुको। ओम भैया की धड़कने तो बंद है लेकिन ये अभी भी जिंदा है। हाँ, ओम भैया मरे नहीं। उनकी आंखों को देखकर मैं समझ गई कि इन सब पर प्रीति की नजर है। यहां क्या हो रहा है वो सब देख रही थी। वो यही चाहती थी कि मैं ओम भैया को मार डालूं ताकि आप सब मुझसे नफरत करें।
या ओम भैया के हाथों मेरी मौत हो जाए। लेकिन वो भूल गई है कि अगर वो चाल चल सकती है तो मैं भी चल कर सकती हूँ। मैंने ओम भैया को मारा नहीं, बस इन्हें मारने का नाटक किया है ताकि प्रीति हम पर नजर रखना बंद करे। ओम, मेरी बच्ची आंखें खोल। ओम भैया को कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा तुम ठीक तो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ राधिका को मारने आए थे क्या? भैया राधिका ने आज फिर से साबित कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं हूँ भैया, ऐसे माफी मत मांगो। और आप उस गलती की माफी क्यों मांग रहे हैं जो आपने की ही नहीं? मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ उस प्रीति ने किया है, लेकिन अब बस प्रीति के पाप को घड़ा भर चुका है। उसने अपने शैतानी खेल के लिए बहुत से मासूमों की जिंदगी बर्बाद की, विपरीत की जान दी। अब उस डायन को मरना ही पड़ेगा। प्रीति पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, उसने अपनी साधना से अपनी सारी शक्तियों को फिर से जिंदा कर लिया और अपनी शक्ति के दम पर ही उसने मेरा इस्तेमाल किया है। अब क्या होगा भाभी, आप कैसे उस डायन का सामना करेंगे? आपके पास तो आपकी मणि भी नहीं है। दोनों जहां की ताकत भी उसके अंदर क्यों ना समा जाए, फिर भी मैं अपनी लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। उसकी किस्मत के पन्नों पर तो मैंने मौत पहले ही लिख दी है, अब बस मुझे इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो इस लड़ाई में आप लोगों को अपना हथियार बनाए, इसलिए प्लीज आप सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और मेरे आने का इंतजार कीजिए। अब मैं उस डायन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम नहीं, हम सब मिलकर करेंगे ये। हाँ भाभी, हम एक बार आपका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो, हम हर कदम पर आपका साथ देंगे। राधिका, उस डायन ने पूरे परिवार को दर्द पहुंचाया है, हम उसका सामना करने के लिए तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम सब तुम्हारे साथ हैं राधिका। मम्मी जी प्लीज आप ही इन दोनों को समझाइए, मैं कह रही हूँ ना, आप किसी सेफ जगह जाइए, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सब लोग की जान खतरे में पड़े। आप तो जानते हैं वो प्रीति जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है।
एक डायन और एक नागिन की लड़ाई है। मैं जानती हूँ कि मेरे पास मेरा नागमणि नहीं, लेकिन उससे लड़ने के लिए मेरी शक्तियाँ काफी हैं। हमारे पास शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो हो। हमारे पास श्रद्धा और विश्वास है, और जिसके पास श्रद्धा और विश्वास है उसका साथ स्वयं भगवान देते हैं, और भगवान की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। हम सब मिलकर उस डायन के खिलाफ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। प्रीति, मैंने सोचा था कि मैं अपने इन दो हाथों से तुम्हारी जान लूंगी, लेकिन अब मेरे पास 8 हाथ हैं और तुम्हारी मौत को कोई नहीं टाल सकता। हम अपने कृष का बदला लेकर रहेंगे।